खूब चली पॉलिटिक्स, फिट नहीं थे केएल श्रेयस, फिर भी हो गया सिलेक्शन। टीम इंडिया की एशिया कप स्क्वाड का हो गया है ऐलान। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश तिवारी, आप देख रहे हैं माय क्रिकेट प्रोडक्शन। और आज इस स्पेशल वीडियो में टीम इंडिया की फाइनल और कंफर्म 17 मेंबर एशिया कप स्क्वाड के बारे में आपको बताएंगे कि कहां पर पॉलिटिक्स चली, किसका सिलेक्शन क्यों हुआ और किसे क्यों जगह नहीं मिली। तो सब कुछ मिलेगा आज इस वीडियो में, एंड तक वीडियो को देखना दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। एशिया कप की एक एक खबर अंदर से पूरी जानकारी लेकर आएंगे दोस्तों हम आपके लिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, सब्सक्राइब बटन नीचे फटाफट हिट कीजिए और बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले बल्लेबाजों के साथ, क्योंकि जब बैट्समैन का सिलेक्शन हुआ ना तो सब लोग हैरान हो गए, खूब पॉलिटिक्स भी चली और खूब दिमाग भी हिला, क्योंकि 6 प्रॉपर बैट्समैन का सिलेक्शन बीसीसीआई ने किया है। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, सूर्यकुमार यादव और तिलक वर्मा का सिलेक्शन हुआ। आपको दोस्तों दो तीन चीजें बता दूं। सबसे पहली चीज ये है कि रोहित शर्मा हो गए, शुभमन गिल हो गए, विराट हो गए, सूर्या हो गए, इनका तो हमें पहले से ही ऑटोमेटिक सिलेक्शन था, हमें पता था। लेकिन श्रेयस अय्यर के बारे में दो तीन अंदर खाने से भैया खबर आ गई है। पहली खबर ये है कि इज नॉट 100% फिट। डर ये है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि आईपीएल से पहले जो बुमराह के साथ हुआ था ना, एकदम से इनको ले आए थे बुमराह को, बुमराह बीच सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अनफिट हो गए और फिर बाहर बैठना पड़ा 2-4 महीनों के लिए। तो भैया अभी तक 100% फिट नहीं है, कुछ रिपोर्ट ऐसी बोल रही है, फिर भी सिलेक्शन हुआ है श्रेयस अय्यर का। यार देखो, टीम इंडिया को नंबर 4 का दावेदार चाहिए था, मिल नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल में इस समय बीसीसीआई फंसा हुआ था। और हमने पिछले भी कई टूर्नामेंट्स देखे हैं, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, ये वो पोजीशंस रही हैं जहां टीम इंडिया संघर्ष करती हुई नजर आई है। इसीलिए बीसीसीआई ने ना चाहते हुए भी 100% फिट नहीं होने के बावजूद भी श्रेयस अय्यर को एंट्री दी है। तो वही दूसरा बड़ा नाम दोस्तों बल्लेबाजों की लिस्ट में है, तिलक वर्मा का उदय बताता है कि शायद रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ ने, अजित आगरकर ने ये सोच लिया है कि तिलक वर्मा को 3 फॉर्मेट प्लेयर बनाना है, क्योंकि एकदम से आईपीएल में चले 2 साल हो गए, वहां से की मैच्योरिटी दिख रही है। दूसरी बड़ी चीज है कि अब इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू के बाद लगातार चल रहे हैं और बीसीसीआई ने नंबर 4 का बैकअप तैयार किया है यहां पर एशिया कप की स्क्वाड में, क्योंकि अगर श्रेयस अय्यर 20 टूर्नामेंट में अनफिट हो गए, जैसा कि मैंने बताया 100% फिट नहीं है, इसीलिए स्क्वाड में तिलक वर्मा को डाला है। पॉलिटिक्स समझिए भाई, अगर यहां पर श्रेयस अय्यर नहीं चल पाते या फिर अनफिट हो जाते 20 टूर्नामेंट में, तो कम से कम स्क्वाड में तिलक वर्मा बैठे होंगे जो कि अच्छे फॉर्म में है। तो ये बल्लेबाजों की 6 बल्लेबाजों की लिस्ट थी स्क्वाड में, और पॉलिटिक्स मैंने बल्लेबाजों की आपको समझा दी। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात कर लेते हैं विकेट कीपर्स की। 2 प्रॉपर विकेट कीपर्स का सिलेक्शन हुआ है, कौन है वो बताएंगे, लेकिन उससे पहले टेलीग्राम पर फॉलो कर लो, एशिया कप की एक एक अपडेट दोस्तों हम टेलीग्राम पर डालेंगे। ऐसी ऐसी खबरें, ऐसी ऐसी फैंटेसी टीम, ऐसी ऐसी न्यूज आपको मिलेगी ना, अंदर से निकाल कर देंगे, मजा आ जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो भैया फटाफट चले जाओ और हिस्सा बन जाओ हमारे परिवार का वहां भी। चलो यार विकेट कीपर की लिस्ट देख लेते हैं। ईशान किशन का सिलेक्शन हुआ है, 2 विकेट कीपर लिए हैं। केएल राहुल का सिलेक्शन हुआ है, केएल राहुल को हमने विकेट कीपिंग करते हुए देखा है आईपीएल में भी और इंटरनेशनल क्रिकेट में भी, और बीसीसीआई अब उन्हें एज ए प्रॉपर विकेट कीपर प्रोजेक्ट कर रहा है, क्योंकि ऋषभ पंत आपके पास थे नहीं, तो वहां पर आपको एक प्रॉपर विकेट कीपर की, एक्स्ट्रा विकेट कीपर की जरूरत थी। तो ईशान किशन, केएल राहुल रहेंगे, लेकिन बैकअप के रूप में श्रीलंका जाएंगे संजू सैमसन। आपको बता दूं दोस्तों एक ब्रेकिंग न्यूज, संजू सैमसन स्क्वाड का हिस्सा नहीं है 17 मेंबर, लेकिन बैकअप के रूप में वो टीम इंडिया के साथ उड़ान भरेंगे लंका के लिए। और अगर केएल राहुल कहीं अनफिट हो गए, जैसा कि मैंने बताया 100% फिट नहीं है, फिर भी जगह दी गई है, पॉलिटिक्स चली है, तो अगर 20 टूर्नामेंट में केएल राहुल की फिटनेस का इशू उठता है, देन फिर भैया आप सीधे सीधे संजू सैमसन को स्क्वाड में शामिल कर सकते हैं। ईशान किशन एक प्रॉपर विकेट कीपर का रोल निभाएंगे। केएल राहुल के साथ एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है जो आपको बता दूं दोस्तों, कि आप केएल राहुल को ओपनर के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर शुभमन गिल फ्लॉप रहे, केएल चल रहे होंगे, तो आप उनको फ्लोट कराकर विकेट कीपिंग भी करा सकते हैं, ओपनिंग भी करा सकते हैं। तो बड़े फ्लेक्सिबल खिलाड़ी थे, इसीलिए बीसीसीआई ने शाम दाम दंड भेड़ जो है सब इस्तेमाल कर लिया और केएल राहुल की एंट्री कराई है। तो राहुल के लिए लाइक बनता है, अय्यर के लिए लाइक बनता है, क्योंकि दोनों 100% फिट नहीं होने के बावजूद भी हामी भरे हैं कि हाँ हम खेलेंगे, एनसीए ने सर्टिफिकेट दिया है। देखो यार, टीम इंडिया के लिए परीक्षा की घड़ी है और सिलेक्शन होना था, कैसे भी हो आप अनफिट हुए, अपनी गलती से हुए, भारत के लिए तैयार रहो, कैसे भी तैयार रहो। तो वही पॉलिसी पर शायद बीसीसीआई चला है, तो विकेट कीपर्स के लिए भी लाइक बनता है, नहीं किया है तो कर देना। विकेट कीपर्स के बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं ऑलराउंडर्स की। तो यहां से कुछ पॉजिटिव न्यूज है, टोटल 4 ऑलराउंडर्स का सिलेक्शन स्क्वाड में किया गया है, विच इज ए गुड न्यूज, क्योंकि अमूमन भारतीय टीम पिछले
पिछले 5 सालों से ऑलराउंडर्स की कमी से जूझ रही थी, लेकिन चारों अब इन फॉर्म है। हार्दिक पांड्या का सिलेक्शन है, जडेजा का सिलेक्शन है, अक्षर पटेल और शार्दुल ठाकुर। शार्दुल ठाकुर को आप बोल सकते हैं कि कुछ मैच में बहुत अच्छे ऑलराउंडर बन जाएंगे, इनसे अच्छा कोई नहीं दिखेगा, और कुछ मैच में ना गेंद चलेगा ना बल्ला चलेगा, तो वो इनकंसिस्टेंसी है। लेकिन उसके अलावा अक्षर पटेल होगा, जडेजा होगा, पांड्या होगा, ये तीनों टीम इंडिया को नीचे से बहुत ज्यादा सपोर्ट देने वाले। एक चीज दोस्तों आपको और बता दूं कि जडेजा और अक्षर पटेल टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में प्रॉपर स्पिनर का रोल भी निभाएंगे, जिनकी जरूरत लंका में बहुत ज्यादा पड़ेगी। स्पिन विकेट अमूमन मिलती है, लेकिन दोस्तों यहां पर ऑलराउंडर में सीधा ध्यान रखा गया है कि बल्लेबाजी मिले, बल्लेबाजी डेप्थ मिले, इसलिए जडेजा और पांड्या बहुत बड़ा रोल निभाने वाले हैं। तो ऑलराउंडर्स अच्छे हैं, बहुत अच्छी रिपोर्ट लेकर आए हैं, लाइक बनता है, बहुत ठोस बना रहे हैं टीम इंडिया को। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं ना, वो गेंदबाज होते हैं, और हमने देखा है भैया कि टीम इंडिया अमूमन शेकी गेंदबाजी लाइनअप के कारण परेशान रही है पिछले कई ICC और ACC टूर्नामेंट्स में। लेकिन 5 टोटल बॉलर्स का जो यहाँ चयन हुआ है वो सचमुच हैरान करता है, क्योंकि 5 में से 4 पेसर है, सिर्फ 1 स्पिनर है। बुमराह का सिलेक्शन हुआ जो कि अच्छे फॉर्म में दिखे हैं, शमी का सिलेक्शन है, शिराज का सिलेक्शन है, प्रशित कृष्णा का सिलेक्शन हुआ है और कुलदीप यादव का सिलेक्शन हुआ है। यहाँ से दोस्तों आप एक चीज समझिए कि जसप्रीत बुमराह ठीक है, शमी ठीक है, शिराज ठीक है, कृष्णा ठीक है, लेकिन यूजी चहल कहाँ गए? क्या यूजी चहल की जगह बन रही थी, नहीं बन रही थी? इसका जवाब तो आप देना कॉमेंट बॉक्स में। क्या आपको नहीं लगता यूजी चहल की कमी यहाँ पर खलेगी? बताना जरूर कॉमेंट बॉक्स में। लेकिन BCCI ने दिमाग लगाया है, रोहित शर्मा द्रविड़ ने दिमाग लगाया है, क्योंकि यहाँ से आपको 4 प्रॉपर पेसर मिल जाते हैं, कुलदीप यादव आपको एक प्रॉपर स्पिनिंग विकेट देते हैं, और ऑलराउंडर में जैसा कि मैंने बताया जडेजा है, अक्षर पटेल है, वो आपको स्पिन लाइनअप में सपोर्ट दे सकते हैं। तो BCCI ने सोच समझ के स्क्वाड बनाई है, जडेजा और अक्षर पटेल के होने के कारण आप कुछ एक्स्ट्रा पेसर्स ले जा पा रहे हैं, 17 मेंबर्स स्क्वाड में इसका ध्यान रखा गया है। दूसरी चीज दोस्तों यह है कि श्रीलंका में बरसात बहुत हो रही है, जिसके चलते थोड़ी सी सीमर्स को ज्यादा हेल्प मिल सकती है, जिसके बारे में भी BCCI ने ध्यान रखा है। लेकिन दोस्तों जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो यही है कि ना ऋतुराज गायकवाड़ की तरफ देखा गया, ना जयसवाल की तरफ देखा गया, ना पृथ्वी शॉ जो काउंटी में चल रहा है उनकी तरफ देखा गया, यूजी चहल की तरफ भी नहीं देखा गया। तो बहुत सारे ऐसे नाम है जिनकी तरफ BCCI ने नहीं देखा है, और यह चीज साफ कर दी है कि BCCI कई प्लेयर्स को सिर्फ T20 क्रिकेट तक सीमित रखेगा और कईयों को भी ODI क्रिकेट खिलाएगा। अब इनमें से कौन कौन आगे वर्ल्ड कप खेलेगा ये तो आप बताओ कमेंट बॉक्स में, स्क्वाड कैसी लगी ये भी बताना, टीम इंडिया के लिए लाइक भी करना, और टेलीग्राम पर फॉलो नहीं किया ना उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फटाफट हिट कर देना, और साथ ही भैया सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट करो, बेल आइकन दबाओ।